दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जितने भी कमेंट्स पर जो सवाल आए हैं हमारे, उन पर हम रिप्लाई करेंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हार्डवेयर भी पूछा गया है, सॉफ्टवेयर भी पूछा गया है, तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी तरह के सवालों का मैं जवाब दूँ, और अगर आप इन सारे सवालों के जवाब सुनेंगे तो आपके बहुत सारे सेक्शन वैसे ही थोड़े थोड़े क्लियर होते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सारे सवाल जिन्होंने मुझे यहाँ पर अभी मैसेज करते हैं जो मुझे यूट्यूब के नीचे, तो उनका नाम लेके मैं उनका सवाल जो सामने आपको फ्लैश होगा और उसी पर मैं आपको एक एक करके आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रमन फन की, कि इन्होंने पूछा है कि भाई लावा कीपैड मोबाइल में मेरे पास जो है बैटरी बहुत जल्दी सब डाउन हो जाती है, ओवर चार्जिंग लगाने और ओनली चार्जिंग लगाने पर ऑन होता है और चार्जिंग रिमूव कर दो तो लो बैटरी करके शट डाउन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे फॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब चार्ज लगा रहे हो और बैटरी आपकी डायरेक्ट बोल्ट पर, मतलब जो बी बैट पर डायरेक्ट करंट चार्जिंग से जा रहा है, इसलिए वो आपकी जब तक बैटरी लगा रहे हो तब तक वो चालू हो रहा है। तो इसमें हम ये बात मानेंगे जैसे आप चार्जिंग हटा देते हैं तो क्या होता है कि बी बैट पर बोल्ट जाना बंद हो जाते हैं। तो मेन जो फॉल्ट है आपका वीबैट पर बैटरी से जो आपकी पावर आईसी तक की जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं ओपन हो गई है, जिसकी वजह से वो लो शट डाउन आपको कर देता है। मतलब वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, वो लो शट डाउन कर देता है। वो जितना भी बैटरी होगा, मतलब अब मान लीजिए आपका बैटरी 80% भी अगर चार्ज है तो तब भी लो शट डाउन दिखा देगा। इसका कारण ये है क्योंकि बी बैट से पावर आईसी तक की जो सप्लाई आ रही है इंटरली वो वायर टूट गई है, या तो पानी में डैमेज होने के कारण या गिरने की वजह से, या हम समझते हैं कि गिरने की वजह से कभी कभार थोड़ा सा मोड़ जाती है पीसीबी। तो इसमें आपको करना क्या है कि बी बैट की सप्लाई का आपको ट्रेस करना है, जो बी बैट का जो पॉइंट होता है अगर उसको इंटरनली वायर आपको दिखाई दे रही है तो वहां पे आप स्क्रैच करके, क्योंकि उसके अलावा और कोई आपके पास में वो नहीं है, आप सिर्फ एक बार सीपीयू को रिहॉट कर सकते हैं। पीछे से आपको एक ट्रैक देखनी होती है बी बैट की, उसको स्क्रैच करना होता है। अगर वहां पर मिल जाती है स्क्रैच करके, आप वहां से जंपर मार के जंपर लेके आपको बी बैट के टेस्टिंग पॉइंट पे लगाना होता है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बताना चाहूंगा कि सैयद इफरान ने पूछा है, सर गिव मी FRP टू लिंक। तो चलो यहाँ पे मैंने वीडियो में आपको बता दूं, अगर वीडियो में उसमें बताया गया है तो उसका टूल लिंक भी उसी के नीचे दिया होगा। तो आप अगर उसके डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ओपन कीजिए तो वहां पे आपको सारी लिंकें दी गई है। लखन जायसवाल ने पूछा है, सर व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है दोस्तों। आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सेंड मत किया करें, क्योंकि अभी एशिया टेलीकॉम का कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। और अगर आपको लगता है कि एशिया टेलीकॉम के नाम से कोई ग्रुप चला रहा है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि या फिर मेरे लोगों का यूज करके कोई ग्रुप बना रहा है तो मुझे बताइए, मैं उस पर एक्शन लूंगा। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो अभी चल रहा है, और ना ही आगे ऐसा कोई ग्रुप होने वाला है। एयर फ्रैंकिंग ने पूछा है कि LCD सेपरेटर का यूज कैसे करें एक वीडियो। तो मैं जरूर बता दूंगा कि LCD सेपरेटर का यूज कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। धर्मवीर सिंह ने पूछा है, iPhone 5S का लॉक लगा है Apple ID वाला, तो कैसे उसको रिमूव करें। अगर आप ही का फोन है, अगर आपके पास में उसका, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में उसका एक ओरिजिनल बिल है तो आप सर्विस सेंटर जाओ एप्पल के, कोई से भी जो भी आपके पास में है आपके शहर में, और वहां पे जाके बिल दिखा दीजिए। वो आपके एप्पल का लॉक तोड़ देंगे, वो आपसे मेरे ख्याल से 200 या 250 या ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए लेंगे इसके लिए। अगर आपके पास में बिल नहीं है, आपने सेकेंड हैंड खरीदा है और आपसे अगर आपसे ही लॉक लगा है तो उसको रिकवर करने की कोशिश करें। चूंकि आप अगर लॉक लगाया तो आपने सेकेंडरी एक ईमेल डाली होगी, उसने मोबाइल नंबर डाला होगा या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला होगा, उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो भी नहीं पता है तो वो लॉक नहीं खुलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दर्शन ने पूछा है, यहाँ आपके वीडियो अच्छे हैं मगर कैमरे, चलिए ठीक है, कैमरे हिलने की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं इंस्टीट्यूट में तो हाथ में लेके कैमरा बनाते हैं तो उन्हें शेक करता रहता है वो, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आने वाले वीडियो है उसमें आपको कैमरा बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे, उसमें वो हिले ना।
धीरज गुप्ता ने पूछा कैसे पता करें कि कीपैड में मोबाइल में कौन सी आईसी लगी है। तो सबसे पहले आपको आईसीओ का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी आईसी किस किस सेक्शन में लगी हो सकती हैं। प्रायः जो कीपैड मोबाइल में होती हैं दोस्तों, उसमें बहुत बड़े बड़े सेक्शन नहीं होते, उसमें एक ही सेक्शन पावर सेक्शन होता है जिसमें एक मेन सीपीयू होता है और उसके साथ में पीएफओ लगा होता है। तो बहुत कम आईसियां दी रहती हैं कीपैड में। तो कैसे पता करें कि कीपैड में कौन सा आईसी लगी है? तो देखिए, कीपैड में अगर हम सेट गूगल में जेएसएम एरिना में जाएंगे तो उसमें कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कीपैड का। ना ही आपको सर्किट डायग्राम या सिग्मेट्री डायग्राम मिलता है, ना ही आपको उसका ब्लॉक डायग्राम मिलता है। अगर हम देखें कि उसको हमें खोल के ही देखना पड़ता है और कि इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर रूप से चेक करेंगे तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप कंप्यूटर से जाकर कनेक्ट करते हैं, अगर उसमें बूट की दबा कर और उसको बंद करके उसमें क्या करें, उसका बूट की दबाएं, कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करें और आपका डिवाइस मैनेजर उसको ओपन करके रखें तो उसमें वो शो करता है। अगर मीडिया टेक का तो MTK आ जाएगा, स्प्रेक्ट्रम का तो SCI आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपको बता देगा, वरना आपको मोबाइल खोल के ही चेक करना पड़ेगा। अभिषेक गुप्ता ने पूछा है कि सैमसंग J7 बंद हो गया है और 2 एम्पीयर का चार्जर लगाने के कारण चलिए उसका उनका बंद हो गया है और सर्विस सेंटर वालों के पास गए होंगे और वो कह रहे हैं कि शॉर्ट हो चुका है और उसको बनाने के लिए 5000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। चलिए, तो सर्विस सेंटर तो इतना चार्ज करते हैं दोस्तों, क्योंकि सर्विस सेंटर है ना, प्रायः या तो PCB बदल देता है या तो कॉम्पोनेंट्स बदलते हैं, तो इसमें वो थोड़ा बहुत चार्ज करते ही है। तो मैं बता दूं कि आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल शॉर्ट हुआ है तो 2 एम्पीयर का चार्जर लगाने से वो ओवर वोल्टेज हो गए होंगे। वहां तक मैं बिल्कुल सही हूँ। तो वो आपकी शॉर्टिंग या तो ऊपर ही ऊपर मिल जानी चाहिए कैपेसिटर पे, नहीं तो क्योंकि सिर्फ चार्जर लगाने से वो शॉर्ट हुआ है तो चार्जिंग IC ही उसकी शॉर्ट होगी। तो ज्यादा वोल्टेज एम्पियर लेने के कारण वो चार्जिंग IC ओवर हीटेड हो गई होगी जिसके कारण वो शॉर्ट हो गई होगी। तो कुछ नहीं है उसमें, आपको IC चेंज करना है तो वो आपका नॉर्मली टेक्नीशियन ही कर देंगे जो आपके आसपास होंगे। और मुझे लगता है कि मुश्किल से वो उसके लिए 500 से 1000 रुपये तक का बस चार्ज करेंगे। तो ये आपके लिए, अगर आप टेक्नीशियन नहीं है तो आप आसपास की दुकान में जाके इसको बना सकते हैं। और अगर आप टेक्नीशियन है तो उसको खोलिए, इसको सबसे पहले क्लीन करें, एक एक कैपेसिटर चेक करें उसके बाद में, और कैपेसिटर चेक करने के बाद में जो चार्जिंग वे का सर्किट है वो पूरा चेक करें। कोई भी नॉर्मल चार्जर लगाएं और चार्जर लगाते समय देखें कि चार्जर का जो बत्ती अगर बंद हो रही है तो मतलब समझे कि चार्जिंग वे में आपका प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है। तो उसके लिए आप एक काम करें कि चार्जिंग वे सप्लाई, मतलब चार्जिंग कनेक्टर वाला पोर्ट, क्योंकि J7 है तो उसके नीचे का जो नीचे पोर्ट होता है, एक डॉक कनेक्टर होता है उसका, पहले सबसे पहले उसमें सारे कैपेसिटर सब कुछ चेक कर लें, क्योंकि इसकी मेन IC मेन PCB में होती है, जो पावर IC के पास में होती है। तो आप इसको चेक कर लें। इसके लिए आप इसका जंपर पिक भी उठा सकते हैं। तो गूगल में जाएं, लिखें सैमसंग J7, अगर प्राइम है तो प्राइम लिखें, नहीं तो J7 लिखें और चार्जिंग भी लिखें, आपको जिसका जंपर पिक मिल जाएगा। सुरेंद्र कुमार ने पूछा है iPhone 6s का iCloud बाईपास कैसे करें? तो मैंने बताया कि iCloud को बाईपास नहीं किया जा सकता, अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है, ना ही आगे ऐसा लगता है कि Apple कंपनी का भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना के देगी। ये सिर्फ सर्वर के द्वारा हो सकता है जो सिर्फ Apple स्टोर के पास अधिकार है। मतलब अगर आप Apple स्टोर जाते हैं और वहां पर ओरिजिनल बिल दिखाते हैं तो उनके पास में वो मेन सर्वर से अटैच करके उसको बाईपास कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। एम खान ने पूछा है कि उन्होंने आईफोन फ्लैश कर रहे होंगे और कोई एरर बता रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं, आईफोन फ्लैशिंग के टाइम पे अगर कोई एरर बता रहा है तो पहली बात तो फ्लैश टूल में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको अपडेट कर लो, उसको डिलीट करके इंस्टॉल कर दो, फर्मवेयर भी चेंज करके देख लो एक बार, नया फिर से फर्मवेयर डाउनलोड करके देख लो। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आईफोन में जनरली ऐसे कोई प्रॉब्लम आते नहीं है, तो वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है। मतलब उसको आप एक काम करो, 4002 अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यूट्यूब में जाकर उसको सर्च कर लो, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पर किसी ने वीडियो जरूर बनाया होगा। तो G MP3 ने पूछा है सर 7262 डिस्प्ले लाइट सोल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले लाइट सोल्यूशन अगर आपको इस मोबाइल किसी भी मोबाइल का निकालना है तो उसके लिए आप जंपर पिक निकाल लो, क्योंकि सैमसंग उसमें मिल जाती है। हालांकि हम बात करते हैं जब मोबाइल रिपेयरिंग में, तो हमें जंपर पिक या सर्किट डायग्राम हर जगह नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको उसमें ट्रेसिंग करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक रिपेयरिंग आप कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में सीखिए, अगर कोई सिखा नहीं पा रहा है या आप सीख के ऑलरेडी कहीं बैठे हैं और आपको तभी भी नहीं पता, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेसिंग बताएंगे बिना सर्किट डायग्राम के, बिना जंपर पिक के कैसे ट्रेसिंग की जाती है किसी भी मोबाइल की,
आईफोन चिप लेवल 7:6:2 डिस्प्ले सोल्यूशन है, तो सबसे पहले जो आपका मेन एलसीडी होता है उसी के ऊपर और एलसीडी के जो फ्लेक्स केबल पे ही टच का आपको कनेक्टर मिल जाता है इसमें देखने के लिए, और इसी पे ही आपको सबसे ऊपर आपको टॉप में दो इस तरह की पिनें देखने मिलती हैं जिसमें एक प्लस होती है एक माइनस होती है। तो पहले मोबाइल में चालू करके उस पर आप वोल्टेज चेक करो, अगर वहां पर वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब ये समझिए कि जो सीरीज कनेक्शन में है एलईडी वो खराब हो गई है। अगर मान लीजिए वहां पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स केबल आपका खराब हो गया, एलसीडी का मतलब डिस्प्ले चेंज होगा। अगर वहां पर भी अगर कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि अगर कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मान के चलिए कि जो सप्लाइयां उनको मिल रही हैं एलईडी जलाने के लिए 12 वोल्ट की मेरे ख्याल से सप्लाइयां उसमें मिलती हैं तो वो सप्लाइयां नहीं आ रही हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं तो उसी कनेक्टर की पिन पे कंटिन्यूटी अगर हम कुल टेस्टिंग करेंगे तो उस पर एक दिखाई देगा, क्योंकि अगर वहां पर सप्लाई नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा, तो वो जो ट्रैक है वो ओपन हो गया है, तो वहां से कंटिन्यूटी टेस्टिंग करो, कहीं ना कहीं उसको आपका कंपोनेंट देखने मिल जाएगा। और अगर आपको इसको बायपास करना है मतलब इसको जुगाड़ वाला तरीका बनाना है तो मैं आपको बता दूं 7:6:2 डिस्प्ले लाइट सोल्यूशन में तो आप अपने में बूस्ट कॉइल देखिए, क्योंकि 12 वोल्ट जा रहा है और 12 वोल्ट कहीं ना कहीं बूस्ट कॉइल से बूस्ट होके जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उस कनेक्टर के नीचे के पोर्शन में बीच मतलब बिल्कुल बीच सेंटर में एक आपको बूस्ट कॉइल देखने मिलेगा, उसके पास में एक छोटी सी आईसी लगी है जो आपकी लाइट आईसी है, तो उस कॉइल को आप निकाल के चेक करो, क्योंकि वो कॉइल वैसा बूस्ट कॉइल नहीं है, वो बड़ा वाला रजिस्टर टाइप का कॉइल है, तो उस कॉइल पे रजिस्टेंस चेक कर लो, अगर मिल जाता है अगर सही रीडिंग तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये मान के आकर और हाँ उसी पे चालू करके उसी पे इनपुट आउटपुट चेक करो, तो उसी कॉइल पे एक आउटपुट पे आपको 12 वोल्ट मिल जाता है, तो वहीं से आप डायरेक्ट जम्पर लेकर आप डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर जो आपका मेन एलसीडी कनेक्टर के प्लस पे मार सकते हैं और माइनस किसी ग्राउंड पे मार सकते हैं, तो इससे भी आप ये बना सकते हैं दोस्तों। तो सद्दीक और अमीन ने पूछा है सर सैमसंग GTC 3322 में IMEI रिपेयर कैसे करें विदाउट जैक 3X क्रैक और ये सब, तो मैं बता दूं कि ये एक कीपैड मोबाइल है, अगर इसमें IMEI रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको बॉक्स की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि ये कह रहे हैं सर क्रैक से किया है पर उस पर मॉडल नहीं है, तो देखिए जेट 3X का जो क्रैक है उसमें हालांकि सब तरह के मॉडल मिल जाते हैं, पर अगर आपको उसमें मॉडल नहीं मिल रहा तो ये मान के चलिए कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको IMEI है चेंज करने के लिए जेट 3X का क्रैक वर्जन या ऑटोपक्स का क्रैक ओरिजिनल वर्जन ही लगेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसमें मान लीजिए स्पेक्ट्रम की IC लगी है तो आप IMEI के लिए स्पेक्ट्रम का टूल यूज कर सकते हैं। सर लेनोवो K5 का पावर की, तो चलो इनका सवाल आधा है, यहाँ पे इन्होंने पूरा सवाल लिखा नहीं है। चंद्रा ग्रती ने पूछा है सर सैमसंग SM Z2 का फ्लैश फाइल दीजिए, तो आपको फ्लैश फाइल नीचे इसी की वेबसाइट के नीचे लिंक है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर वाली साइट पर जाइएगा, फ्लैशिंग फाइल पर उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर सैमसंग में मिल जाएगी, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल पर जाके सर्च करें। MD इक्वल ने पूछा है मेरे पास सैमसंग का मॉडल है तो जिसमें फुल शॉर्टिंग है, DC से उन्होंने चेक कर लिया है और कहीं हीट भी नहीं हो रहा है, और मल्टीमीटर से चेक करने पर जो पार्ट शॉर्ट आ रहे थे कैपेसिटर और डायोड वो रिमूव करने पर शॉर्टिंग दूर नहीं हो रहा है, लेकिन चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्जिंग के बगल में कुछ IC है कैपेसिटर जो हीट कर रहा है और कैपेसिटर को रिमूव करके देखा भी तो शॉर्टिंग नहीं जा रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि चार्जिंग के बगल में कुछ IC है जो IC है कैपेसिटर है जो हीट कर रहा है, आपने सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव किया, उस IC को भी रिमूव करो, क्योंकि वो IC अगर क्योंकि क्या होता है कि चार्जिंग IC का डायरेक्ट आउटपुट वो BBAT के आउटपुट से होता है जिसकी वजह से पूरा मोबाइल शॉर्ट कर देता है, तो इसमें एक काम करो चार्जिंग IC निकालो, जहाँ तक आपके अगर आपने सब अच्छी तरीके से चेक किया है, अगर सारे कैपेसिटर सारे डायोड आपने चेक किए हैं तो आप चार्जिंग IC निकालिए, आपकी शॉर्टिंग हट जाएगी। सुनील हरल ने पूछा है CPU को प्रेस करते समय फिट किया है क्या, मुझे तो ऊपर से प्रॉपर फिट करने प्रॉपर हीट करने को कहा है और ऊपर से IC ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप नया CPU लगा रहे तो उसमें ऑलरेडी बॉल बने होते हैं, या अगर मैं बताऊं कि अगर आप रिबॉल करके लगा रहे तो उसमें भी बॉल बने रहते हैं, हम यहाँ पे जो CPU लगा रहे थे इस वीडियो में उसमें कोई भी बॉल नहीं है, वो ऑलरेडी बॉल क्लीन कर चुके हैं क्योंकि उसके स्टेंसिल नहीं है तो वो रिबॉल नहीं हो सकता है,
तो उसका दोस्तों दोनों का हम इसमें ये मान के चल सकते हैं कि हमने शॉटिंग जो थी जो शॉटिंग हो गया था, जो बॉल आपस में टकरा गए थे तो हमने डिसोल्ड किया, सीपीयू हटाया और दोनों को हमने क्लीन कर दिया। अब उसके बाद में सीपीयू के भी टिप्स क्लीन हो गए हैं और आईसी के भी टिप्स क्लीन हो गए हैं, पर आईसी रिबॉल नहीं हो पाई है, क्योंकि आईसी रिबॉल नहीं हो पाई है, अगर हम उसको ऊपर से रखेंगे और सिर्फ ऊपर से या हवाई देते रहेंगे या हीट करेंगे तो वो नहीं चिपकेगी दोस्तों, वो नहीं बैठेगी, क्योंकि उसमें कोई भी बॉल नहीं है, कोई भी उसमें मतलब कोई बेस नहीं है जो उसके साथ में जाके चिपक जाए। तो इसलिए उसके जो टिप्स है, टिप्स को मिलाने के लिए थोड़ा सा उसको दवा के ही देनी पड़ती है, क्योंकि आईसी हो सकता है कि इसमें काम कर जाए, अगर वही 50% होता है दोस्तों, और रिबॉलिंग में भी 50% चांस होता है कि वो आपका काम कर जाए। तो एलवा एफ जियो ने पूछा है कि सर कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत आसान तरीका है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम जानने का, तो इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा एक मतलब इसको समझाने पर बैठे तो बहुत बड़ा एक लेक्चर इस पर आ सकता है, क्योंकि बन सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर कैसे पता करें हार्डवेयर, सबसे पहले अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल आता है तो उसका हार्डवेयर करो और हार्डवेयर भी चेक करो, पहले बैटरी चेक करो, बैटरी कनेक्टर चेक करो, बैटरी कनेक्टर की सप्लाई चेक करो, शॉर्टिंग चेक करो, पावर की कनेक्टर पावर की हुई ये सब चेक करने के बाद में उसके बाद में कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखो कि कंप्यूटर से वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम डीसी मशीन भी बता देती है, क्योंकि जब डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं और वो 0.01 एम्पियर से 0.01 एम्पियर तक बीच में कहीं रुक रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें हम ये मानते हैं कि बूट एरिया पर जाके रुक रहा है। तो बूटिंग एरिया के टाइम पर क्या होता है, जो सीपीयू पावर आईसी से तो पावर ले लेता है, पर उसके बाद में उसको बूट करता है और बूट करता है और बूटिंग के टाइम पर वो सॉफ्टवेयर को चेक करता है, जब सॉफ्टवेयर वो करेक्ट पाता है तो उसके बाद बूटिंग वहीं पर रोक देता है, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल में जैसे सैमसंग या बहुत सारे मोबाइलों में वो बूटिंग आपको ऊपर डिस्प्ले में दिख जाती है, मतलब उस पर लिखा होता है सैमसंग और वहीं पर आकर आपको रुक जाता है। जैसे माइक्रो मैसेज सब पे आपको देखो, आपने देखा होगा कि वीवो या कोई सा भी मोबाइल में आपने देखा होगा, हमने भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं उसमें, तो आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें वो लोगों तक आकर रुक रहा है, उसके आगे मोबाइल बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। पर कीपैड मोबाइल में वो ऐसा भी नहीं होगा, कीपैड मोबाइल में पूरा वो डायरी दिखाएगा, तो इसलिए उसको हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मानते हैं। तो अगर वो सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ तो उसको फिर हम हार्डवेयर प्रॉब्लम में लेते हैं। तो मेडिकल का सेटअप बॉक्स का टूल कैसे डाउनलोड करना है, तो यार इसकी पूरी लिंक दी हुई है, मेडिकल का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्लासेस बनाई हुई है, तो उस पर जाके आप वीडियो सर्च करो, वीडियो लिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगा, मोहम्मद मुजाहिदीन ने पूछा हुआ है। तो बुद्धा वर्मा चलिए ठीक है। मेघा साहब ने पूछा है सर टेल मी हाउ टू मेक वायरलेस चार्जर, क्योंकि अभी देखिए ऐसा कुछ है नहीं, आप एसी करंट को इतना वायरलेस के मतलब इतना फ्रिक्वेंसी नहीं पैदा कर सकते कि आप कुछ 10 मीटर 50 मीटर आप उसको एसी करंट को वायरलेस थ्रू दौड़ा सकते, तो ये बिल्कुल अभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां आईफोन या फिर सैमसंग अभी तक वायरलेस चार्जर बना देती है। आपने देखा उसमें वायरलेस चार्जर जो उसी के नीचे एक ऐसा रखा होता है और वो चार्जिंग ऐसे वो चार्जिंग में भी बेसिकली कंडक्टिवनेस होता है कि हम मोबाइल फोन उसके ऊपर रखते हैं तभी वो चार्ज होता है, वरना वो चार्ज नहीं होगा। तो मतलब मोबाइल फोन उसके साथ में टच करना जरूरी होता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, उसका जो लेवल होता है मतलब फ्रिक्वेंसी जो बनाता है वो बहुत ही शॉर्ट बनाता है, तो ये बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं बन पाती, मतलब बहुत ज्यादा बड़े या फिर हम बात करें बहुत ज्यादा बड़े मीटर बहुत ज्यादा लंबी फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाती है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वायरलेस चार्जर बना सकते हैं, तो ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई कंपनी जरूर निकाल के ले आएगी एसी जिसको वो एसी को वायरलेस थ्रू चार्ज कर सके। मौसम अली ने पूछा है सर 1200 फोन को फुल शॉर्टिंग है तो कैपेसिटर निकालते हैं और निकाल कर चेक किया तो बीप नहीं है, और फुल शॉर्टिंग कैसे निकाले, तो आपने कैपेसिटर निकाल के चेक किया ऊपर से बीप नहीं है तो इसका मतलब मानिए कि किसी दूसरे कैपेसिटर को निकालना है, अगर उसमें भी बीप नहीं है तो मानिए किसी दूसरे कैपेसिटर को निकालना है। तो सब तरह के आपको कैपेसिटर को निकालते जाना जिन जिन में आपको शॉर्टिंग दे रहे हैं, और बाकी कैपेसिटर को आपको निकाल के फेंकना नहीं है, उसको आपको वापस लगाना है। तो ये मान के चलिए
तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने कैपेसिटर निकाला और वो शॉर्ट नहीं है तो उसको वापस लगाना है, पर उसको सबसे आखिरी में लगाइएगा जब तक शॉर्टिंग ना निकाल दें। और अगर सारे कैपेसिटर निकाल दिए और आपने देखा कि किसी एक आईसी के पास में लगे कैपेसिटर ज्यादातर बीट मार रहे हैं, तो वो आईसी में फिर अपना हाथ जमाइए। मतलब मैं कहूँ तो वो जो क्या होता है दोस्तों कि आईसी का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अगर इनपुट में एक कैपेसिटर शॉर्ट है तो एक ही वो दिखाएगा, क्योंकि अगर आउटपुट में अगर आईसी शॉर्ट है तो वो पूरी आउटपुट को शॉर्ट दिखाएगा, इसलिए वो आईसी को हम शॉर्ट मानते हैं। अगर आईसी के आसपास लगे तीन चार कैपेसिटर भी शॉर्ट हो तो हम आईसी को जनरली शॉर्ट मानते हैं, क्योंकि जो आईसी के पास में जो आउटपुट एरिया होता है, और अगर हम देखें कि हमने दो कैपेसिटर निकाल दिए, तीन निकाले फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रही है टिप्स पर, अभी टिप्स पे अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है, तो वो आईसी में शॉर्टिंग है। तो लक्ष्मण सहानी ने पूछा है मोबाइल ट्रैकर क्या होता है और कैसे, तो मैं बता दूं कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बेवकूफ मत बनो। और आप मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकता है, ये अधिकार केवल हमारी गवर्नमेंट के पास में है और उसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो सारे जितने वीडियो सब फेक हैं, आप किसी का मोबाइल ना अपना मोबाइल ना किसी का मोबाइल ना IMEI कुछ ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो कल्याण 12 ने पूछा है सर सेरेमिक कैपेसिटर से फंक्शन बता दो। यार तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये डीसी को फिल्टर करता है कैपेसिटर। सेरेमिक इन्होंने पूछा है, मतलब जो प्लस माइनस वाला सिंपल कैपेसिटर इन्होंने पूछा है, इसको अपन नॉन पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं NPC। तो ये डीसी को करंट को मतलब डायरेक्ट करंट को फिल्टर करता है और जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देता है और डीसी को स्टोर करता है। ये डीसी को पास नहीं करता है दोस्तों, इसमें कभी भी चेक करने पे बीप नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आती तो ये शॉर्ट माना जाता है। तो ऐसे ही पोलर कैपेसिटर होता है, वो भी डीसी को फिल्टर करता है, वो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता है, पर उसको वोल्टेज कैपेसिटर भी कहते हैं। तो उसमें एक सिरा, और क्योंकि मैं बता दूं कि जो मेन सेरेमिक कैपेसिटर होता है मतलब NPC, एक होता है पोलर, और पोलर कैपेसिटर एक होता है नॉन पोलर। इन्होंने पूछा है नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में, तो नॉन पोलर कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता है, उसको आप कैसे भी निकाल के कैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी चेक कर सकते हो, पर जो पोलर कैपेसिटर होता है उसमें प्लस माइनस होता है, उसको चेक करने के लिए आपको प्लस माइनस देखना होता है। तो आरके पटेल ने पूछा लावा एटॉम 3 रिंगर प्रॉब्लम है। देखो रिंगर को चेक करो, सबसे पहले तो रिंगर का मल्टीमीटर से चेक करो, 8 से 10 पे 8 से 10 उसका रेजिस्टेंस आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो उसको चेंज कर दो, उसकी कोल्ड टेस्टिंग करो, 250 से 600 के अंदर उसका रीडिंग आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए, और उसमें वोल्टेज चेक करो 0 से 2.8 वोल्टेज तक उस पर करंट मतलब वोल्ट आना चाहिए, और वो केवल एक्टिव टाइम पे कि जब आपका रिंगर बज रहा हो। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, अगर कोल्ड टेस्टिंग में आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, सप्लाई ओपन दिख रही है, मान लीजिए सप्लाई आ रही है, सप्लाई ओपन है, तो दूसरी सप्लाई को आप ग्राउंड कर सकते हैं, इससे रिंगर चालू हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको उसको कंपनी लेवल पे बनाना है तो दूसरे जो सप्लाई है, अगर टिप्स सही है, टिप्स उखड़ा नहीं है, तो उसकी आप कंटिन्यूटी टेस्टिंग कीजिए, कहीं ना कहीं वो बीप बजाएगा और वो आपको वहां पर सप्लाई दिखा देगा। फ्रैंकी ने पूछा है सर एंड्रॉयड फोन का वॉल्यूम पत्ता कट जाए तो मार्केट में नहीं मिले तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया है कि यार अगर आपका एंड्रॉयड का पत्ता कट जाए और मार्केट में सेम पत्ता नहीं मिले तो कोई सा भी पत्ता खरीद लो, और वो पत्ता आप अपने बिल्कुल इस तरह का खरीदो कि वो दूसरे पत्ते के साथ थोड़ा सा मतलब उसका लेंथ लाइट मतलब लेंथ और हाइट में मेल खाता हो, मतलब जहां वो पुराना पत्ता लगा है वहीं पर वो नया वाला लग सकता है बस। और उस पत्ते का जो मेन आखिरी का जो पॉइंट होता है जहाँ उसके ट्रैके होती हैं वहां उसको मोड़ के रख दो, वहां से दो जंपर उठाओ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम पत्ता, तो वॉल्यूम पत्ते में एक वॉल्यूम अप होगा एक वॉल्यूम डाउन होगा, तो 4 जंपर उठाओ, वो 4 जंपर आप लगा दो मेन टिप्स पे, वो जंपर उठा के आप डायरेक्ट कहीं पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पत्ता बिल्कुल समान होना चाहिए, बस पत्ता अपनी पोजिशन पे होना चाहिए ताकि जब यूजर उसको दबाए तो वो बिल्कुल सही वर्क करे, बाकी इसमें कोई सा भी पता लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ वही पता लगाएं। रेम गुर्रंग ने पूछा है सर उनका कि कंप्यूटर में FRP2 नहीं चल रहा है और उनका लैपटॉप का 64-bit सिस्टम है, तो एक काम करें वो FRP2 को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें, और तो या तो आप ये चेक करें कि आपका एंटीवायरस, कई बार क्या होता है दोस्तों वो एंटीवायरस हमारा इस तरह का होता है कि वो कुछ इस तरह के टूलों को वायरस समझ लेता है,
तो अगर एंटीवायरस में हो सकता है किसकी एक आध फाइल मिस हो गई हो, करप्ट हो गई, तो एक बार एंटीवायरस को डिसेबल करके एक बार चेक कर ले। साहिल का ने पूछा है उनको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग, आप किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, तो हमारा इंस्टीट्यूट है जबलपुर MP मध्य प्रदेश में। नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप यहाँ पे अपना नंबर, अपना नाम, और यहाँ पे आप अपना नाम और एड्रेस SMS कर दें दोस्तों, और तो हम आपको खुद से कॉल लगाएंगे और आपको सारी जानकारी इसमें दे देंगे। गौरव शर्मा ने पूछा है सर, मोबाइल लीकिंग की वीडियो बनाओ और हाफ शटिंग की। तो देखो, हमने बनाई है इस पे, तो हमने फुल शॉटिंग पे भी वीडियो बनाई है कि कैसे हमने उसकी निकाली, हमने सैमसंग पे बनाई है, और हाफ शॉटिंग की भी हम वीडियो बहुत जल्दी इस पे बना देंगे। साहिल खान ने पूछा है तो उनका रिपेयरिंग सीखना है और सूरत में है, कितने दिन है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। रश्मि रेखा ने पूछा है उनको Redmi 2 फोन फ्लैश करना है। देखिए, इस पर मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप नीचे दी हुई लिंक पर जाकर सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे तो आप, या सॉफ्टवेयर वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको Redmi 2 की फ्लैशिंग का पूरा पता चल जाएगा। हालांकि मैं इस पर आने वाले समय पर बहुत जल्दी, मैं मान के चलिए 5-6 दिन के अंदर Redmi 2 का फ्लैशिंग का मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक Redmi 2 मोबाइल है जिसका मैं फ्लैशिंग का एक वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों। तो आप इसमें डाउनलोड करें इसका स्टॉक रोम, स्टेबल रोम, और इसके बाद इसका फ्लैशिंग टूल डाउनलोड करें, और इसके साथ एक इसका फास्ट बूट ड्राइवर आता है, तो बहुत आसान है उसको। तो उसमें आपको करना है क्या, जो स्टॉक रोम होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .tgz होता है, TGZ होता है, तो आपको करना है क्या है, .tgz को हटा के .zip में बदलना है, और उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी फाइलों पे ले आना है, और बस आपको फ्लैश टूल खोलना है। आपको सबसे पहले अपनी पूरी फाइल चुनना, पूरा फोल्डर चुनना है, उसके बाद में उसमें एडवांस में क्लिक करके आपको वहां पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्लैश ऑल बैट या फिर फ्लैश ऑल विदाउट करके कुछ। तो अगर आप फ्लैश ऑल बैट करते हैं तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, अगर फ्लैश विदाउट करके, मतलब एक फाइल और है दोस्तों, तो जो कि अब मैं जब करूंगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा उसमें। तो दो फाइलें चुननी होती हैं, दो में से एक फाइल चुननी होती है, एक फ्लैश ऑल बैट करके वो तो बिल्कुल है, और दूसरी फ्लैश मेरे ख्याल से विदाउट करके कोई फाइल है, अगर वो वाली फाइल चुनते हैं तो उससे डाटा डिलीट नहीं होता है, और फ्लैश ऑल बैट करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है उससे, मतलब जो भी उसका MI का अकाउंट लगा होगा तो वो भी उसका रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो स्टार कंप्यूटर मैं आपको बता दूं, आपको नीचे दी हुई लिंक पर मैसेज करना है और SMS करना है दोस्तों, और व्हाट्सअप ना करें, SMS करें। उदय दारा ने पूछा है सर, मेरे पास नोकिया का एक मोबाइल है जो शुरू होता है और अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है और फिर ऑन हो जाता है, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप सबसे पहले इसमें बैटरी कनेक्टर चेक करो, बैटरी चेक करो, पहली बात तो बैटरी चेक करो, बैटरी कनेक्टर चेक करो, बैटरी कनेक्टर की सप्लाई चेक कर लो, आप इसमें ऑन ऑफ की का वे चेक कर लो, और इस मोबाइल को थोड़ा क्लीन करके इसमें लगे हुए सारे कैपेसिटर चेक कर लो, तो इसका ये प्रॉब्लम आपका निकल जाएगा। दूसरी वो चीज करना है, इसमें सारे कनेक्टर्स जितने होते हैं ना, सारे कनेक्टर, अगर मान लीजिए इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सारे कनेक्टर्स रिमूव करके एक बार फिर से इसको ऑन करके देखिए, तो हो सकता है कि उसके बाद में ये सही का तरीके से हम काम करें। मिदुला ने पूछा है सर, J2000G का फ्रंट कैमरा फेल, तो इसमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का होता है, आपको करना है क्या है कि आपको ऐप मैनेजर में जाकर, ऐप सेटिंग में खोल के, ऑल डाउनलोड में जाकर, ऐप्स का एक जो ऐप मतलब कैमरे का जो ऐप्स होता है उसको खोल के उसको फोर्स स्टॉप करना है, उसके कैश पार्ट, उसके कैश मेमोरी को डिलीट करना है, मतलब एक तरह से इसको क्लियर करना है, और अपना जो भी SD कार्ड उसको निकाल कर रख देना है बाहर, और उसको एक बार चालू करना है रीस्टार्ट करके, अगर उससे नहीं हो रहा है तो एक बार रीसेट कर सकते हैं या उसके बाद फ्लैशिंग कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो कैमरे को निकालिए, हार्डवेयर तरीके से कैमरे को आप रिमूव करें, उसको क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद में और कैमरे की टिप्स को क्लीन करें, पूरी PCB को क्लीन करें, उसके बाद फिर लगाएं, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो कैमरे के कनेक्टर पे कोल्ड टेस्टिंग करें और ये चेक करें कि उसके पर सप्लाइयाँ सब सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कहीं सप्लाइयाँ ओपन आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि कैमरा उसकी वजह से डिटेक्ट नहीं कर रहा है या किसी प्रकार का फॉल्ट दिखा रहा है, और अगर बाकी सब सही है, अगर आपने सॉफ्टवेयर भी कर लिया, आपने हार्डवेयर भी चेक किया, सब सप्लाइयाँ भी सही हैं, वोल्टेज भी आ रहे हैं, तो उसके बाद में कैमरे को चेंज करें।
महेंद्र एसी ने पूछा है सर, रेडमी नोट 3 प्रो का रिंगर वे बताएं। तो रेडमी नोट 3 प्रो का रिंगर वे, या रिंगर चेक करो, रिंगर कहाँ लगा हुआ। तो मेरे ख्याल से रिंगर उसका नीचे डॉक कनेक्टर में लगा हुआ, मतलब नीचे वाले जो प्लेट होती है उसमें लगा होता है। तो उस रिंगर पे सबसे पहले रिंगर में आप रीडिंग चेक करो, 8-10 रीडिंग आना चाहिए, ओम्स आना चाहिए। रजिस्टेंस मल्टीमीटर को बीप मोड पे लेके चेक करो, अगर वो आ रहा है तो सही है। और जो उसके टेप्स है उस पर 250 से 600 तक रजिस्टेंस आना चाहिए, और जो वोल्टेज है 0 से 2.5 वोल्टेज आना चाहिए। तो ये, और जो वोल्टेज है वो एक्टिव मोड पे आना चाहिए, मतलब जब रिंगर चालू हो। और जो रेजिस्टेंस है वो आप बंद मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अभी तो बहुत सारे और भी हैं कमेंट्स, तो अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत सब बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा माइंड में, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे इन्हीं सवालों को लेके। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट्स लिखिए और इसी वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो मेरी एक गुजारिश है, इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में शेयर करें दोस्तों। उसके साथ दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए जो नंबर हैं उस पर आप SMS करें अपना नाम और एड्रेस, तो हम आपको कॉल कर देंगे। और तो दोस्तों जुड़े हैं चैनल से, और अगर आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किया है हमारा तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मोबाइल हार्डवेयर का आपको ऐप्स डाउनलोड करना है, सबसे बेस्ट ऐप्स जो आपको बाजू में सामने ये दिख रहा है, तो इसमें आपको हार्डवेयरिंग का मतलब सब सेक्शन वाइज इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, डिटेलिंग विद पिक्चर। अगर आपको सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करना है तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है, तो इसमें डिटेलिंग विद पिक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर। इसमें आपको फ्लैश टूल मिल जाएगा, इसमें आपको सब तरह का कैसे मोबाइलों को सॉफ्टवेयर के फ्लैश किया जाता है, तो पिक्चर वाइज इसमें आपको देखने मिल जाएगा। या आपको अगर कॉम्पोनेंट चेक करना है, या आपको और भी कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट के बारे में जानना है, और आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक नॉलेज जानना है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सब तरह के जानकारी दी गई है, और इन सबकी लिंक नीचे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों। तो जुड़े रहें चैनल से, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएँ। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.